Assalamualaikum dear kids, today our book is Recent Math Concept and Application Foundation 2 for Prep Class. Now kids, today our topic is shapes and secondary shapes. Now let's start the activity. I show you a very beautiful flash card. मेरे पास बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से flash card है जो मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें different color की shapes हैं, different colors हैं, बहुत ही खूबसूरत सी हमारे पास flash card में pictures हैं. So फिर मैंने कुछ handmade भी किए हैं, फिर हम उनको भी देखेंगे, फिर हम उनसे भी पढ़ेंगे. So first I have a very beautiful flash card. Now look, oval shape. This is oval shape. Oval shape. Oval shape. किस तरह की shape होती है? एक अंडे की जैसी. अगर हम कोई एक अंडा लें, जैसे for example यहाँ पर आप देख रहे हैं एक egg है मेरे पास, और egg की आपने shape देखी कि egg की shape जो है वो oval shape में है, और मेरे पास यहाँ पर एक real अंडा भी है, आप उसे भी देखिए, ये देखिए egg. So egg की जो shape है, यहाँ पर मेरे पास एक egg है, egg की जो shape है ये ओवल शेप में है. ये कौन सी शेप है? ओवल शेप में है. कौन सी शेप में है? ओवल शेप. और आपको पता है कि अंडा जो होता है ये हमारे लिए बहुत ही, हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है. आप लोग हर रोज़ आप लोग सुबह जब आप लोग नाश्ता करते हो, जब आप लोग सुबह लंच करते हैं या शाम के टाइम भी लंच करते हैं या फिर आप लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, तो अगर आप सुबह नहीं लेते तो आप लाजमी शाम के टाइम अपनी मामा से कहें कि हमें जो है वो अंडा लाजमी बना के दें, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है. यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास एक रिंग भी है, इस रिंग को देखिए, यह रिंग भी ओवल ही शेप में है. आपने इस रिंग को देखा, ये एक रिंग है जो, और रिंग कहाँ पहनते हैं? हाथों पे पहनते हैं. रिंग कहाँ पहनते हैं? हाथों पे. ये मेरे पास एक रिंग है जिसकी शेप जो है ओवल शेप है. यहाँ पर एक मिरर है, ये मिरर भी ओवल शेप का है. नाउ द नेक्स्ट फ्लैश कार्ड इज लुक वेरी ब्यूटिफुल स्टार शेप. ये एक स्टार शेप है. जब हम आसमान पर रात को देखते हैं और जो हमें टिमटिमाते हुए तारे, यानी जो ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार्स जो हमें आसमान पर नज़र आते हैं, उनकी शेप जो होती है वो स्टार्स की ही तरह की है. उनकी शेप्स किस तरह की है? स्टार्स की तरह की है. आप लोगों ने कभी देखा कि ऊपर जो आसमान पर तारे होते हैं वो स्टार शेप में होते हैं? और यहाँ पर देखें, बहुत ही खूबसूरत सा एक स्टार है जो उन्होंने बनाया हुआ है, और मैंने भी एक हैंडमेड जो है वो स्टार तैयार किया है ताकि वो आपको नुमाया तौर पर नज़र आए. मैंने एक फॉर्मिक शीट को लिया, उससे एक खूबसूरत सा मैंने देखे स्टार काटा, जो मैंने आपको दिखाने के लिए इसे बड़ा ही खूबसूरत सा करके बनाया. और ये मेरे पास एक स्टार शेप में जो है वो मैंने काटा हुआ है, जिसे स्टार शेप कहते हैं. और आसमान पर जब हम रात के वक्त देखते हैं, आप कभी छत पर गए अपनी, आपने छत पे देखा आसमान को? बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे नन्हे तारे जो हमें नज़र आते हैं वो स्टार शेप में होते हैं. द सेकंड, यहाँ पर हमारे पास एक फिश है जो स्टार फिश है. यहाँ पर आप फिश देखिए, ये स्टार फिश है. ये पानी में रहती है और ये जो है वो बहुत ही खूबसूरत कलर्स में होती है. इसमें रेड कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, लेकिन यहाँ पर जो मेरे फ्लैश कार्ड पर मेरे पास जो स्टार फिश है उसका कलर ब्लू है. द नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक बहुत ही खूबसूरत सा स्टार, लाइटिंग वाला स्टार है जिसके अंदर लाइट्स लगी हुई है. जब कभी ईद मिलादुल नबी आती है, जब हम अपनी गलियाँ सजाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, तो ऐसे छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जो बहुत ही खूबसूरत सी होती हैं, जो लाइटिंग वाली होती हैं, सो हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, अपने घरों में लगाते हैं या लटकाते हैं. द नेक्स्ट, हम मेरे पास नेक्स्ट देखें, यहाँ पर मेरे पास एक शेप है, और ये शेप आप देखिए, ये कौन सी शेप है ये आप मुझे बताइए ज़रा. लुक, ये कौन सी शेप है ये आप मुझे बताना पसंद करेंगे? ये कौन सी शेप है? बहुत ही खूबसूरत सी शेप है, और ये एक काइट बनी हुई है. और काइट की जो शेप होती है वो कौन सी शेप होती है? काइट शेप. इसे कौन सी शेप कहते हैं? काइट शेप. कौन सी शेप इसे कहते हैं? काइट शेप. ये बहुत ही खूबसूरत होती है, और ये काइट शेप, काइट आपको पता है ना, जिसे हम पतंग भी कहते हैं, जो आसमान पर उड़ती है. आपने कभी उड़ाई?
लेकिन इसे उड़ाना ज़्यादा बहुत अच्छी बात नहीं। आपको पता है जब ट्रैफिक में लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, रोड्स पर होते हैं, तो उनके गलों में जब डोर जो होती है इसकी, वो जब जो इसका थ्रेड होता है वो जब गले में फिरता है तो बहुत ही ज़्यादा चोट जो है वो लग जाती है, इससे खून बहुत ज़्यादा बहता है और बहुत ही परेशानी का सबब होता है और कई दफ़ा तो क्या होता है लोगों की मौत भी हो जाती है। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें इन ऐसी चीज़ों से जो मौत का बायस हो या जो हादसे का बायस हो उन चीज़ों से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। सो मैंने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से हैंडमेड हम मैंने कार्ड जो है वो तैयार किए हैं। सो देखें मेरे पास यहाँ पर एक शेप है, ये ओवल शेप है, ये बहुत ही खूबसूरत सी है, देखें ओवल शेप। नेक्स्ट मेरे पास एक काइट शेप है, लुक वेरी ब्यूटीफुल काइट शेप। एंड द नेक्स्ट मेरे पास एक जो शेप है वो डायमंड शेप है। डायमंड शेप और काइट शेप में देखिए बहुत ही फ़र्क है। लुक, जो काइट शेप है वो ऐसे जैसे एक पतंगनुमा है, एक गुड्डी सी, एक गुड्डी टाइप, जिसे हम पंजाब जो है वो गुड्डी भी कहते हैं, पतंग भी कहते हैं, ये एक पतंग की शेप है। और यहाँ पर जो डायमंड शेप है वो एक सेम डायमंड की तरह की बनी हुई है, ये स्क्वायर शेप भी लगती है, लेकिन स्क्वायर शेप जो होती है वो डब्बानुमा यानी वो चकोर में होती है, लेकिन ये वाली जो शेप है ये भी चकोर में, लेकिन ये सीधी खड़ी की गई है, जिसे डायमंड शेप भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास काइट शेप है, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर देखिए स्टार शेप भी मेरे पास जो है वो मौजूद है। ये बहुत ही खूबसूरत सी हैं, मुझे यकीन है कि आपको बहुत ही इन्हें देखकर अच्छा लगा होगा। और आप भी अपने वालदैन की हमरा ऐसे छोटे छोटे आपने शेप्स काटनी है, स्टार की शेप काटनी है, इसके अलावा आपने ओवल की काटनी है, इसके अलावा आपने डायमंड की काटनी है, बहुत सी शेप्स आपने काट के अपनी छोटी छोटी सी शेप्स जो हैं वो कापी के ऊपर आपने रेडी करनी है, ताकि ये बहुत ही अच्छी सी शेप्स जो आपको याद भी रहे और आप इससे काम भी लेते रहें। यानी जब भी आपको ये शेप्स दिखाई जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब आपसे पूछूंगी ये कौन सी शेप है, सो आप जो है वो फौरन बताएं कि ये स्टार शेप है, या अगर मैं आपको ओवल शेप दिखाऊं तो आपको पता होना चाहिए कि ये ओवल शेप है। सो नाउ किड्स लेट्स मूव ऑन बुक, अब हम बुक की जानब चलते हैं, बुक के ऊपर देखते हैं कि हमारे पास कौन सी शेप्स हैं। नाउ लेट्स ओपन द बुक्स। Now, this is our book, Fisant Math Concept and Application. Now, kids, open the page number 46. Page number 46 and our topic is shapes. और हमारा जो topic है वो shapes हैं. And our topic is shapes. And work, read. हमारा जो काम है हमने क्या करना है, read करना है. और हमारी जो shapes हैं वो कौन सी है, सेकेंडरी शेप। कौन सी है, सेकेंडरी शेप। नाउ द फर्स्ट इज ओवल, ओवल, ओवल शेप, ओवल शेप लाइक अ एग। काइट, काइट, काइट शेप, काइट शेप लाइक अ काइट। एंड सेकेंड एंड थर्ड शेप इज डायमंड, डायमंड शेप, diamond shape, diamond shape. And the fourth star, and the fourth star, star shape, star shape, diamond shape, star shape, diamond shape, star shape. And the first oval shape, kite shape, diamond shape, and star shape. Now kids, page number 46 is done. Move on next page. And the next page is page number 47. And our topic is shapes and work. And the work is trace, pencil pherna, and color or rang bharna. And activity or jo sargarmi hai, sargarmi number 1, trace and color the given shapes. Humne kya karna hai? Sabse pehle in shapes ko humne ट्रेस करना है, एंड द सेकंड, और जो हमारा सेकंड वर्क है वो हमने करना है कि इनमें कलर्स भी करने हैं। नाउ द फर्स्ट वर्क इज ट्रेस, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। एंड दिस वन इज ओवल शेप, ये एक ओवल शेप है। नाउ स्पीक आफ्टर मी, ओवल शेप, ओवल शेप, ओवल शेप, ओवल
शेप ओवल शेप ओवल शेप ओवल शेप नाउ द ओवल शेप इज डन वेरी गुड एंड द सेकेंड काइट शेप काइट शेप इट हैज़ फोर कॉर्नर टू शॉर्ट एंड टू लॉन्ग इसके चार कॉर्नर हैं चार साइड्स हैं तीन दो जो हैं वो छोटी हैं और दो लंबी ये फर्स्ट वाली जो टू हैं ये शॉर्ट हैं यानी छोटी छोटी हैं एंड द सेकेंड और जो दूसरी वाली हैं वो लॉन्ग है वो इससे थोड़ी सी लंबी हैं जो इसे काइट शेप देती हैं नाउ द सेकेंड डायमंड एंड स्टार शेप द फर्स्ट डायमंड डायमंड शेप की भी कितने कॉर्नर्स हैं इसकी कितनी साइड्स हैं फोर साइड्स हैं वेरी गुड डायमंड शेप एंड द लास्ट स्टार शेप वेरी गुड Now trace and speak after me. मेरे पीछे बोलें star shape. Very good. Now the shapes is done and second color I have very beautiful colors मेरे पास बहुत ही खूबसूरत से रंग हैं so मैं इनका इस्तेमाल करूँगी the first shape is oval shape so पहली shape जो है वो oval shape है so मैं oval में जो है वो orange color लूँगी first work cover the boundary area पहले तो हमने क्या करना है इसका boundary area को cover करना है ताकि color जो है वो हमारा बाय ना निकले या ना फैले बहुत ही आराम से बहुत ही खूबसूरत से कलर्स करने हैं एंड द सेकेंड मूव ऑन कलर अप एंड डाउन ऊपर और नीचे की जानब रंग करते हुए स्पीक आफ्टर मी मेरे पीछे बोलिए ओवल शेप वेल डन एंड द सेकेंड काइट नाउ फर्स्ट वर्क इज कवर द बाउंड्री एरिया को कवर करते हुए जो इसकी साइड्स हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना है ताकि हमारा कलर वेल डन बाहर ना निकले Now move on color up and down and speak after me. ऊपर और नीचे की जानब रंग करने के बाद आप मेरे साथ बोलिए काइट शेप किस तरह की शेप है काइट की तरह की पतंग की तरह की काइट शेप वेल डन एंड द थर्ड शेप इज डायमंड शेप Very beautiful purple color for diamond shape. Cover the boundary area. And move on color up and down and speak after me. Diamond shape. Well done. Cover the boundary area with green color. Boundary area को cover करना है सब्ज रंग के साथ And speak after me. स्टार शेप स्टार आपकी टीचर ने कभी आपको स्टार दिया बुक पे
जब आप काम करते हैं या नोटबुक पे, जब आप घर से बहुत ही अच्छा सा होमवर्क करके लाते हैं, स्टार शेप, वेल डन। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज। द नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 48 एंड और टॉपिक इज शेप्स एंड और वर्क इज, और हमारा जो काम है मैच, और हमारा जो काम है हमने क्या करना है, मिलाना है, मैच हमने मैच करना है। एंड द एक्टिविटी इज, और जो हमारी एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी नंबर 2, मैच द गिवन ऑब्जेक्ट्स विद देयर रिस्पेक्टिव शेप्स। हमने क्या करना है, इनकी शेप्स, यहाँ पर जो शेप्स दी गई हैं, यहाँ पर देखें हमारे पास स्टार फिश है, एग है, काइट है, फिर यहाँ पर एक डायमंड शेप में एक रिंग जो है वो बनी हुई है। सो हमने क्या करना है, इनको मैच करना है। सो मेरे पास यहाँ पर देखें शेप्स भी मौजूद है, हमने इन शेप्स के साथ ऊपर वाले जो हमें ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनको मैच करना है। द फर्स्ट डायमंड और ओवल, ओवल शेप, द एग, सेकंड काइट विथ काइट, डायमंड विद डायमंड रिंग, एंड द फोर्थ स्टार विथ स्टार फिश। यहाँ पर मेरे पास एक मिरर है जिसकी जो शेप है वो ओवल शेप है। नेक्स्ट मेरे पास एक काइट शेप में इयर रिंग्स हैं, यहाँ पर मेरे पास एक स्टार फिश भी मौजूद है, और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास एक वाटरमेलन है जिसकी शेप ओवल शेप में है, जिसकी शेप ओवल शेप में है। नाउ फर्स्ट मैच विद काइट शेप, नेक्स्ट ओवल शेप, एंड नेक्स्ट स्टार शेप, एंड लास्ट फिफ्थ ओवल शेप। नाउ किड्स, और एक्टिविटी एंड ऑल्सो सेकेंडरी शेप, ट्रेस, कलर एंड एक्टिविटी इज डन। आई होप यू एंजॉय दिस शेप्स। ओके किड्स, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।